नमस्कार, वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार के विरोध में देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया, राज्य सरकार ने आम आदमी का मजाक बनाया है। भाजपा ने किया महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में निषेध आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में किया आंदोलन। और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे नागपुर दौरे पर, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख से की भेंट। अब खबरें विस्तार से। दिल का दौरा पड़ने के बाद हृदय रोग के रोगी हमेशा काम पर वापस जाने और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से डरते हैं। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी जैसी अपडेटेड हृदय उपचार सुविधाएं उन्हें हृदय की स्थिति से उबरने में मदद करती है, लेकिन वे सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी के मद्देनजर प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल दिल के मरीजों के लिए माई फिट हार्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन यूनिट की शुरुआत की है। माई फिट हार्ट एडवांस कार्डियक रिहेबिलिटेशन यूनिट का उद्घाटन नागपुर के जिलाधिकारी आर विमला द्वारा किया गया। कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम प्रशिक्षित कार्डियक टीम की देखरेख में ऐसे मरीज को सामान्य जीवन फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए कार्डियक मॉनिटरिंग और इमरजेंसी बैकअप सिस्टम के साथ विशेष फिजियोथेरेपी यूनिट है। प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल ने नागपुर और मध्य भारत के नागरिकों के लिए इस अति आवश्यक सुविधा को शुरू करने की पहल की है। चिकित्सा क्षेत्र में अतुलनीय व उल्लेखनीय योगदान देकर मानव स्वास्थ्य के लिए निरंतर कार्य करने वाले प्लेटिना हॉस्पिटल को 10 वर्ष पूर्ण हुए। डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा व रश्मि मुंदड़ा व समस्त टीम ने कोविड संक्रमण के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों की सेवा की। डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा ने प्लेटिना हॉस्पिटल की ओर से स्कूली छात्रों को स्कूल में जाकर हार्ट से संबंधित विचारों को रखकर उन्हें कई टिप्स दिए और यह कार्य अविरत चल रहा है। नागपुर दूरदर्शन के तहत विदर्भ के छोटे छोटे गांव में रहने वाले नागरिकों को उनके सवाल जवाब का भी कार्य बखूबी डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा व पूरी टीम नैतिकता से निभा रही है। प्लेटिना हॉस्पिटल ने इन 10 वर्षों में अनेक गरीब बच्चों का इलाज भी निशुल्क कर अपने सामाजिक दायित्व को निभाया। डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा को चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को देखकर लोकमत टाइम्स एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड से महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित भी किया है। राज्य सरकार के विरोध में देवेंद्र फडणवीस प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि राज्य सरकार ने आम आदमी का मजाक बनाया है। बाकी राज्यों ने दरों में 7 रुपए से 15 रुपए की कमी की है। महाराष्ट्र सबसे समृद्ध राज्य है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 15% अकेले महाराष्ट्र का है। ऐसी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस ने इस समय दी। मला असं वाटतं की राज्य सरकारने सामान्य माणसाची थट्टा केली आहे। 1.5 रुपयांनी 2 रुपयांनी इंधनाचे दर कमी करणं ही थट्टा आहे, कारण आपण बघितलं इतर सगळ्या राज्यांनी आत्तापर्यंत 7 रुपयापासून 15 रुपयापर्यंत दर कमी केला आहे। महाराष्ट्र हे देशातलं सगळ्यात समृद्ध राज्य आहे। देशाच्या जी डी पीच्या 15% जी डी पी एकट्या महाराष्ट्राचं आहे। केंद्रातल्या सरकारने 2,20,000 कोटी रुपयाचं नुकसान सहन केलं आहे आणि आपण मात्र 2,500 कोटीचं आम्हाला 2,525 कोटीचं नुकसान आम्हाला होतं आहे म्हणून सांगतो आहे। खरं तर किमान केंद्र सरकारने जेवढं या ठिकाणी दर कपात केली त्याच्यात 10% तरी कपात ही राज्य सरकारने करायला पाहिजे होती, कारण देशाच्या GDP आपण 15% आहोत, त्यामुळे राज्य सरकारने अक्षरशः सामान्य माणसाची थट्टा केली। कन्हान ठाणे के पश्चिम में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोड़ेगांव खोल खुली खदान से कोयला चोरी करने के आरोप में थाना वेकोली सुरक्षा अधिकारी कन्हान पुलिस ने 21,20,000 रुपए मूल्य का एक ट्रक व 12 टन कोयला जब्त किया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को रात 12 बजे वेकोली के प्रभारी सुरक्षा अधिकारी नागनाथ चरणदास खोबराकडे, उम्र 45 वर्ष निवासी गोड़ेगांव कॉलोनी गोड़ेगांव ओपन माइन क्षेत्र में पेट्रोलिंग वाहन के साथ गश्त करते समय सुरक्षा गार्ड शिवमूरत कुरिल, आशीष घोपटे और अधिकारन बेहुने को रात 2 बजे एक मुखबिर से सूचना मिली कि गोड़ेगांव बस्ती के पीछे ट्रक जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2:10 पर भाटिया बंद कोल वसारी के सामने ट्रक को जब्त कर लिया गया और उसके चालक की पहचान भावर सिंह राम सिंह चौहान के रूप में हुई।
चोरी के कोयले के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला शेख ने कहा कि उनके पास कोयले के बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। नंबर RJ09GB9370 ₹20 लाख और 12 टन कोयले की कीमत ₹1,20,000 है। पुलुखेड़ी जिला रत्नम, फारूक अब्दुल्ला शेख, रहवासी कनान, कनान पुलिस निरीक्षक विलास काले के मार्गदर्शन में IPC की धारा 379 और 109 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। आज नागपुर में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में निषेध आंदोलन किया गया। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि महाराष्ट्र में OBC का आरक्षण लागू नहीं रहेगा और आने वाले स्थानिक चुनाव OBC आरक्षण के सिवा होंगे, इसलिए यह आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा नागपुर महानगर के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को निर्णय सुनाता है कि चुनाव OBC आरक्षण के सिवा होंगे और वही सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश शासन को आरक्षण लागू करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी ट्रिपल टेस्ट थी वह पास की और महाराष्ट्र ने नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में OBC आरक्षण लागू हो। इस सरकार ने OBC समाज का विश्वासघात किया है। उन्होंने OBC समाज की राजकीय हत्या की है। उनका कहना है कि सरकार ने किए अत्याचारों का बदला लेने के लिए OBC समाज इस सरकार को अवश्य पाठ पढ़ाएगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में OBC समाज के लोगों की संख्या अधिक है और बाकी स्थानों पर कम संख्या है। राज्य सरकार जानती है कि 27% आरक्षण लागू होता है तो बाकी जगहों पर भी OBC की संख्या बढ़ जाएगी और उनका नेतृत्व बढ़ेगा, लेकिन OBC समाज का नेतृत्व ना बढ़े इसलिए यह सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। जब तक OBC समाज को राजकीय आरक्षण नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा नागपुर महानगर के कार्यकर्ताओं का कहना है। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा नागपुर महानगर तर्फे आज इथे निषेध आंदोलन हे आघाडी सरकारच्या विरोधात आहे। आपणास माहित असेल काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला। सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की महाराष्ट्रात OBC आरक्षण लागू राहणार नाही, येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत स्थानिक निवडणुका त्या OBC आरक्षणाशिवाय होणार आहे आणि याचाच विरोधात आम्ही महाराष्ट्र सरकारचा निषेध करत आहोत। एकीकडे सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र शासनाला निर्णय देते की महाराष्ट्रात OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका होते, त्याच ठिकाणी तोच सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश शासनाला आरक्षण लागू करते, याच्यात हा जो आहे हा दुफावत आहे। कारण की महाराष्ट्र शासना मध्य प्रदेश शासनाने जे काही ट्रिपल टेस्ट होत्या त्या पास केल्या, त्यांना जे जे आवश्यकता जी इम्प्लिकेट डाटा असेल त्यांचा लोकल बॉडीजचे जे काही हे असेल ते त्यांनी त्याला दिलं, परंतु महाराष्ट्र सरकारने हे दिलं नाही। कारण त्यांच्या मनात इच्छाच नव्हती की महाराष्ट्रात OBC आरक्षण लागू व्हावं आणि यामुळे या सरकारने OBC समाजाचा विश्वासघात केला आहे, OBC समाजावर अत्याचार केला आहे, OBC समाजाच्या राजकीय खून केला असं मी म्हणतो आणि या सरकारला धडा शिकवण्याकरता आम्ही ते उपस्थित झालेलो आहोत आणि OBC समाज येणाऱ्या काळात निश्चितपणे या सरकारला धडा शिकवेल। सर काय वाटतं तुम्हाला एम्पिरिकल डाटा देण्यासाठी राज्य सरकार टाळाटाळ का करत? त्यांना मुळात OBC आरक्षण द्यायचंच नाही, कारण की विदर्भ सोडता इतर ठिकाणी OBC समाज हा कमी प्रमाणात आहे आणि जर हे 27% आरक्षण लागू झालं तर निश्चित त्यांना माहीत आहे की तिकडे त्या भागात OBC समाज हा स्ट्रॉंग होईल, हां OBC समाजाला नेतृत्व मिळेल आणि ते नेतृत्व मिळवून न देण्याकरता हे सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे त्यांनी हा इम्प्रिकल डाटा दिलेला नाही। यांनी जे मागास आयोग गठीत केला होता त्या आयोगाला निधी दिलेला नाही। आपल्या नागपूरचे जे एक सदस्य होते त्या आयोगावर त्यांनी त्रासून राजीनामा दिला, कारण की त्यांना जे करायला काही कामच नव्हतं, काही स्कोपच नव्हता, तर त्यांनी म्हणून त्यांनी हे दिला। हे सरकारचं मुळात हे सरकार विश्वासघाती सरकार आहे, OBC विश्वासघात केला आहे, यामुळे सरकारला खाडी खेचलंच पाहिजे। आपल्या आंदोलनाची साखळी कोपर्यंत सुरू राहील? ही साखळी जोपर्यंत OBC राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ही साखळी सुरू राहील। गेली वर्ष 1.5 वर्षापासून आम्ही निरंतर इथे उपोषण करतो आहे, आंदोलन करतो आहे, विविध प्रकारचे आंदोलन केलेले आहे आणि ही करत राहू आम्ही। VKB न्यूज के लिए रोशन बोकडे के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दो आरोपियों ने दुबई की करेंसी लेकर भारतीय पैसे देने के नाम पर फिरियादी से 2,00,000 रुपए ठग लिए। यह घटना स्थानीय पुराने कामठी थाना क्षेत्र के नोट रुईगंज दरगाह के पास 20 मई की सुबह करीब 9 बजे हुई। दुबई की करेंसी लेकर भारतीय पैसे देने के नाम पर दो ठगों ने एक व्यक्ति के 2,00,000 रुपए लूट लिए। आरोपी ने भारतीय मुद्रा के बदले दुबई की मुद्रा के 100 दिनार नोटों से भरा एक बैग सौंप दिया और चला गया। आरोपी के जाने के बाद वादी और उसके दोस्त ने बैग की जांच की तो बैग में अखबार के कचरे का एक बंडल मिला। वादी को यह बात समझते ही उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जाँच की जा रही है। तकरारदार नामे फिरोज नदीर खान, राहणार मानकापूर, नागपूर हे आले व त्यांनी सांगितले की त्यांच्या मित्रासोबत ते आपले रुईगंज मैदान दर्ग्याच्या जवळ त्या ठिकाणी आले आणि त्यांच्या मित्रांनी त्यांना सांगितले की 2,00,000 बदल्यामध्ये 100 दिनार जी करन्सी आहे दुबईची ते तुम्हाला मी मिळवून देतो। याच्या लालसेपोटी मग फिर्यादी यांनी सदरची 2,00,000 रुपये रक्कम घेऊन सदर घटनास्थळी आले। घटनास्थळी आल्यानंतर जे आरोपी आहेत ते आरोपी 4-चाकी गाडीमधून त्या ठिकाणी आले। फिर्यादीकडचे 2,00,000 रुपये रक्कमही त्यांनी हस्तगत केली आणि फिर्यादीला त्या मोबदल्यामध्ये एक बंद पिशवी दिली की त्यामध्ये जे काही 100 दिनार जी काही करन्सी आहे ती त्यामध्ये आहे असं त्यांनी सांगितलं। फिर्यादीने ते काही त्यावेळेस उघडून बघितली नाही। आरोपी हे त्या ठिकाणून निघून गेले। जेव्हा फिर्यादी घरी जाण्यासाठी निघाले त्यावेळेस त्यांनी ती पिशवी उघडून बघितली असता त्यामध्ये त्यांना न्यूजपेपरचे बंडल आढळून आले। अशी त्यांची फसवणूक झाली, त्यामुळे ते आपल्या जुनी कामठी पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी रितसर तशी तक्रार दिलेली आहे। गुन्हा दाखल झालेला आहे, पुढील तपास सुरू आहे। माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कारवाई योग्य ती कारवाई चालू आहे। ती दुबई करन्सी आहे 100 दिनार। बहुतेक 100 दिनारची आपल्या भारतामध्ये 1,500 ते 1,600 रुपये त्याच्या मोबदल्यामध्ये मिळतात। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन राविकर की रिपोर्ट। कलसा गांव में गजानन पारदी की बेटी की शादी दुर्गा माता मंदिर में 21 मई को हुई थी। इस वक्त मंदिर दूल्हा दुल्हन के मेहमानों से भरा हुआ था। इस समय मंगलाष्टक समाप्त होने के बाद जब रात्रि भोज का कार्यक्रम चल रहा था तो चोरों ने स्थिति का फायदा उठाकर 2 पहिया स्प्लेंडर प्लस वाहन चोरी कर लिया। गजानन पारदीन की बेटी की कलसा गांव के दुर्गा माता मंदिर में 21 मई को शादी हुई थी। इस शादी के वक्त मेहमानों की भीड़ भी देखने को मिली, परंतु जब
सब रात को खाना खा रहे थे, उस वक्त बाहर से दो पहिया स्प्लेंडर प्लस वाहन चोरी हो गई। एक कार मालिक ने रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे और दूसरे के पास कार के मालिक ने दिग्रस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रवीण पंजाबराव जाधव ने पुलिस थाने में मौखिक रिपोर्ट दी। राठौड़ उम्र 40, मोटरसाइकिल अनुमानित कीमत 30,000 रुपये, दिग्रस थाने आया और लिखित शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात चोर के खिलाफ भर्ती दंड संहिता धारा 379 दर्ज की गई और थानेदार पांडुरंग द्वारा आगे की जांच की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट। यवतमाल में संकल्प फाउंडेशन, संकल्प वनिता वाहिनी, इको लवर ग्रुप, इंजीनियर्स दिवस महिला समूह और नगर हाई स्कूल समूह ने आज सुबह 7 बजे स्थानीय दक्ष भवन क्षेत्र में नियमित श्रमदान किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और एक तरफ प्लास्टिक का उपयोग कर मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए जहर फेंका जा रहा है, वैकल्पिक रूप से पर्यावरण का क्षरण आज के अभियान से देखा जा सकता है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को देख यवतमाल में संकल्प फाउंडेशन, संकल्प वनिता वाहिनी, इको लवर ग्रुप, इंजीनियर्स दिवस महिला समूह और नगर हाईस्कूल समूह ने आज सुबह 7 बजे स्थानीय दक्ष भवन क्षेत्र में नियमित श्रमदान किया। संकल्प प्लास्टिक एलिमिनेशन स्कूल का आज 10वां रविवार था। इस मौके पर माधुरी मड़ावी खुद मौजूद थी। प्लास्टिक से भरे करीब एक ट्रैक्टर को इकट्ठा करने के बाद सभी संगठनों की ओर से माधुरी मड़ावी का जन्मदिन मनाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख विजयताई पंधारे और दामिनी दस्ते मौजूद रही। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। मागील 10 आठवड्यापासून प्लास्टिक निर्मूलनाचं काम करत आहे, पण हे ॲक्च्युली तुमच्या मार्गदर्शनामुळे होते आहे। तुम्ही ते पाऊल उचललं, त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठेतरी सहकार्य करावं अशी आमची भावना होती। त्याच्यामुळे आम्ही सर्व सामाजिक संघटना या ठिकाणी एकत्र येऊन हा आजचा 10वा रविवार आहे आणि आज तुम्ही योगायोगाने आम्हाला भेट दिली, आज तुमचा आम्ही वाढदिवस पण साजरा केला। मला एक विचारायचं आहे की संकल्प फाउंडेशनचं हे काम जे सुरू आहे त्याच्यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? मॅडम, संकल्प फाउंडेशनचं काम अतिशय स्तुत्य आणि अतिशय चांगलं आहे। म्हणजे चांगलं म्हणणं हा शब्द खूप छोटा आहे, म्हणजे आणि मला खूप काही बोलता येत नाही, म्हणजे पण मनापासून तुम्ही एक अतिशय जागरूक आणि जबाबदार नागरिक असल्याचं तुम्ही इथे ओळख देत आहे आणि तुम्ही आजचा हा 10वा रविवार आहे आणि तुम्ही खूप सारे प्लास्टिक असे बॉटल्स वगैरे तुम्ही कलेक्ट करून आपल्या शहराचं नैसर्गिक सौंदर्य आणि स्वच्छता तुम्ही जपत आहे। तुमच्या कार्याला खूप खूप शुभेच्छा। माझा वाढदिवस केला तुम्ही सगळ्यांनी, त्याबद्दल तुमचं मी मनापासून आभार मानते। आणि हे जे सगळं करत असताना ज्या ठिकाणी तुम्ही करताय, आता ही कॉलनी आहे का? हां, तर ते तिथे राहणाऱ्या लोकांना सुद्धा सहभागी करून घ्या आणि त्यांच्या हे लक्षात आणून द्या की हे तुम्ही जे कचरा जिकडे तिकडे टाकताय ते चुकीचं करताय आणि त्यांना हे सांगायचे कचरा तुम्ही घरच्या कचरा कुंड्यांमध्ये जमा करा आणि नगरपालिकांच्या गाड्यांमध्ये टाका। नगरपालिका जेव्हा गाडी येते नाही आली तर नगरपालिकेला डायरेक्ट कॉल करा, सीओला कॉल करा, तर तुमच्याकडे गाडी पोहोचते। पण अशा प्रकारे इतरत्र हे कचरा टाकून म्हणजे एक तर चुकीचं आहे आणि तुमच्यासारखं एक चांगल्या लोकांना ह्याच्यामध्ये गुंतून राहावं लागतं। तुम्ही दोन प्रकारे त्यांना मेसेज देऊ शकता, म्हणजे जिथे स्वच्छ करणार आहे तुम्ही त्या एरियातल्या लोकांना बोलवून तिथे परत कचरा नाही झाला पाहिजे अशा प्रकारचं सुद्धा तुम्ही त्यांना तंबी पण द्यायची। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे आज नागपुर के दौरे पर है। टोपे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख से भेंट की और नागपुर के काटोल नरखेड़ निर्वाचन क्षेत्र में राकांपा पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख ने कहा कि नागपुर में रोजाना डायलिसिस के लिए आने वाले कम से कम 100 लोगों के लिए काटोल में डायलिसिस सेंटर खोलने की जरूरत है, ऐसा आदेश उन्होंने दिया। आणि अनिल बाबूंचे माझे व्यक्तिगत खूप घनिष्ठ संबंध पहिल्यापासून आलेले फॅमिली रिलेशन आणि कुठल्या परिस्थितीत मला असं वाटतं की त्यांच्या ऍक्सेसमध्ये में समर्पण सेवा समिति संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष रक्तदान का कार्यक्रम किया जाता है। इस वर्ष भी दो संस्थाओं के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी के जन्मदिन पर कल रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष माजी आमदार श्री गिरीश जी व्यास इनके जनसंपर्क कार्यालय में आशा देवी कॉम्प्लेक्स पंडित बचराज व्यास चौक में किया गया था। वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य
खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।